अब आप बेविचार करो, शराब पियो, मांस खाओ, गंदे आचरण करो और बोलो हमने राधा राधा कहा लेकिन काम नहीं बना। वो बोल रहे थे कि कितना भी बड़ा संकट हो, फिर बोल रहे हैं अगर भयानक से भयानक विपत्ति को ऐसे नष्ट कर दे तो बता देना। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो, इसका जप करो। और जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए, ब्रह्मचर्य से रहो, झूठ मत बोलना, मदिरा मत पीना, मांस मत खाना, और ना काम हो जाए तो मैं बताना कि भारी से भारी विपत्ति का नाश करके भगवान श्री कृष्ण का आश्रय उसे ऊंचे उठा देगा, इस जगत की धरा से उठा देगा। विश्वास में क्या चाहिए तुम्हें? भारी से भारी विपत्ति को दूर करने के लिए आर्त भाव से पुकारो भगवान को। तुम्हें धनी बनना है, अनुष्ठान कीजिए। हम कह रहे किसी विशेष मंत्र आदि की तरफ ना बढ़िए, बोलिए राधा राधा, क्या चाहिए आपको? कृष्ण कृष्ण बोलिए, सब मंत्रों का सार है नाम में, आप बोलिए तो नाम, पवित्र होइए, गंदे आचरण छोड़िए, क्या चाहिए आपको? भगवान का नाम जहां गूंजता है वहां ऐश्वर्य अपने आप चरणों में लौटता है। अब लगाओ तुम कांटेदार वृक्ष और चाहो कि हमको रसीला फल प्राप्त हो तो इसे मूर्खता ही कहते हैं। फिर दोष देता है काल कर्म ईश्वर को, शास्त्रों को, मंत्रों, अरे कुछ नहीं नाम मंत्र में। जो केवल भगवान से अर्थ चाहता है, ठीक है हमें धन चाहिए तो भगवान श्री हरि का आश्रय ले, जो चाहिए आप मान लीजिए, पर गलत आचरण कर रहे हो इसलिए आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा। हमारी बात हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करें, मान लीजिए सब कामनाओं से पीड़ित है, सबकी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी।